बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जनसंपर्क अभियान में पहुंचे। उन्होंने वैशाली इलाके में 10 परिवारों से बात की और उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जागरूक किया। बीजेपी का मकसद है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे भ्रम की स्थिति को पूरी तरह से दूर कर दिया जाए। लोगों ने भी उनकी बात को ध्यान से सुना और वो लोग इस बात को समझ गए हैं कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद के यूपी गेट पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत हुआ और कार्यकर्ताओं ने उन पर फूल बरसाए। भारी सुरक्षा के बीच यूपी गेट से वो वैशाली पहुंचे। जिन परिवारों से उन्होंने बात की उनका कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून के विषय में वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। हमारे हिंदू हैं, भाई लोग हैं जो हमारे बाहर के देश में हैं, तो उनको हमारे यहाँ पे आने के लिए उनको हमारे कैंप में नागरिकता मिलनी चाहिए और वो वहाँ पे बहुत पीड़ित हैं, तो अगर वो यहाँ पे आते हैं उनको नागरिकता मिलती है तो ये बहुत अच्छा होगा उनके। उन्होंने बताया सीए बिल कि इसका ये ठीक बिल है और ये सब मुसलमानों के खिलाफत में नहीं है, हिंदुओं के लिए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। आप क्या कहती हैं इस बिल को? मैं भी यही समर्थन करती हूँ कि ठीक है बिल्कुल, बिल बांग्लादेश पाकिस्तान के मुसलमानों और के लिए आ रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।